साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, और साथियों टॉपिक मेरे पास आते कहाँ हैं, आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो आप लोग कुछ ना कुछ लोग मेरे साथ इंक्वायरी के लिए भेज देते हैं। अभी जो न्यूज मैं बता रहा हूँ ये मेरे पास मलेशिया से न्यूज आई है। जी हाँ, अब लोगों का देखो कितना लोग इतने हरामी टाइप के एजेंट होते हैं कि आप पहले तो मलेशिया चले गए, ठीक है, वहां पे आप कैसे भी गए, आपका की स्थिति है, आप आपके पास पासपोर्ट नहीं है, ठीक है, आप इलीगल हो, आपके पास वीजा नहीं है। बहुत सारे मलेशिया की ये स्थिति काफी सारे लोगों की सबकी है लगभग में, वहां पर भी एजेंट बैठे हैं। ये गौर करने वाली बात है, ये मत सोचना, वो एक कहावत है ना कि दुश्मन सीमा पार नहीं, दुश्मन अपने देश के अंदर है। सेम कंडीशन ये है कि इंडिया में एजेंटों एजेंट है ही है, चीटिंग करने वाले विदेशों में भी बैठे हैं। और विदेशों में एजेंट कौन बनता है, खास तौर से इस बात का ध्यान रखना, विदेशों में एजेंट यहाँ से लोग जाते हैं ना, वहीं उनमें से कई लोग एजेंट बन जाते हैं, ये खास तौर से, क्योंकि जो लोग यहाँ काम करते हैं वो विदेशों में जाके उनको बैठने की कहाँ जरूरत है, वो तो यहीं कर लेंगे काम, लेकिन वहां वो बैठते हैं जो यहाँ से कमाने के लिए जाते हैं। 2-4 साल उनको हो जाते हैं, एकदम पक्के तैयार हो जाते हैं वो, उनको पता लग जाता है कि अब किस तरह से लोगों को अपने को बेवकूफ बनाना है। तो अभी ये न्यूज ये है कि कोई गंगाराम नाम का कोई बंदा है, मेगाराम, ठीक है, तो उनको कोई एजेंट मिल गया, और ये आदमी से शायद मेरी एक दो बार बात हुई है फोन पे, तो ये आदमी ने क्या किया, कोई एजेंट इसको मिल गया, इंडिया पंजाब का एजेंट है, ठीक है, उसने ये बोला कि मैं तेरे को सिंगापुर भेज दूंगा, क्योंकि सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया सॉरी सिंगापुर और मलेशिया एक है, बाय बस आप जा सकते हो, अगर जोर बारू में हो तो वहां से घंटे भर की रास्ता है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है, बाय बस जा सकते हो। तो इसको वहां पे क्या टचिंग में बॉर्डर पे लोग काम करते हैं, तो वो बेचारे भोले वाले, उनको पता ही नहीं होता। अब स्थिति है कि ये तो खुद इलीगल है, इसके पास परमिट ही नहीं है, फिर भी इनको ये बोल रहे हैं कि मैं तेरे को सिंगापुर भेज दूंगा वर्क परमिट में, ठीक है, 2 लाख रुपए तेरा खर्चा आएगा, ऑफर लेटर भी दे दिया बना के, खास तौर से ये देखो कि ऑफर लेटर भी दे दिया, बंदा मलेशिया में बैठा है लेकिन ऑफर लेटर दे दिया सिंगापुर का, और लगता भी ओरिजिनल है, स्क्रीनशॉट डालूंगा, एकदम ओरिजिनल लगता है, कोई कह ही नहीं सकता यार ये कोई नकली हो सकता है क्या। तो भाई लोगों की ये स्थिति है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस रहे, आपके पास भी अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे व्हाट्सअप करें, आपको तो मैं हेल्प करूंगा ही करूंगा, अन्य लोगों के भी उनके माध्यम से जानकारी दूं, ताकि उन लोगों के साथ भी हो सकता है ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि ये मान के चलिए कि एक बंदे के पास ऐसा ऑफर लेटर आता है तो वो एक तक सीमित रहता है, वो 100 को देगा, 200 को देगा, जहां तक उसका नेटवर्क होगा सबको देगा। तो इन चीजों से थोड़ा बचने की कोशिश करें। तो भैया विदेश, यहाँ से आप विदेश जा रहे हो, वहां पे आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपके पास वीजा नहीं है, आप ऐसे ही बैठे हो, है ना, इलीगल, और फिर आपको बोलते हैं कि मैं आपको सिंगापुर बॉर्डर भेज दूंगा वर्क परमिट में, सैलरी वगैरह सब लिख के आ गया, 1200-1300 सैलरी मिलेगी डॉलर, ठीक है, 2 लाख का खर्चा आएगा, 2 साल का वर्क परमिट वीजा आएगा, होटल में आपको जॉब लगवा देंगे, स्क्रीनशॉट डाल लो, ऐसा कुछ है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके साथ ऐसा हो तो मुझे शेयर करें, और अन्य लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन लोगों को जिनके साथ ऐसा अगर हो तो बेचारे बच जाएं। भाई अपना काम है अपन करेंगे, बाकी तो देखो ऊपर वाला जाने रहा, आपकी भी थोड़ी कोशिश जानी होनी चाहिए कि यार अपन के पास अगर कोई चीज आती है तो दूसरे को शेयर कर दें, ताकि वो इन चीजों का ध्यान रखें। और एक दूसरी अपडेट ये देनी थी साथियों की, दीपावली का भी सीजन चल रहा है, लिंक नीचे डाल रहा हूँ, बहुत सारे प्रोडक्टों में बहुत भारी भारी छूट आ रही है, मेरे मोबाइल पे स्क्रीन शो होता रहता है, तो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अगर ऑनलाइन सामान आपको शॉपिंग करना है तो नीचे लिंक डाल रहा हूँ अमेजन का, तो वहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, दीपावली पे 50% से 70% तक की छूट आ रही है, तो बाकी आप लिंक में ओपन करोगे तो आपको सब शेयर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो इतना ही है, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।